आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पिछले दिनों देवास शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर स्थित एक मकान में अंकित बेस नामक युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 अगस्त को विजयनगर स्थित तारा सोनी के मकान में अंकित बेस नामक युवक की खून में लथपथ लाश घर के अंदर बिस्तर पर पड़ी है। बिस्तर एवं आसपास बहुत खून पड़ा है। अंकित के शरीर एवं चेहरे पर किसी धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन संजय सिंह मैं फोर्स रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल की सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया एवं उक्त घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को दी गई। फरियादी जुझार सिंह बैस पिता सौभाग सिंह बैस उम्र 52 निवासी तारा सोनी का मकान विजयनगर देवास मृतक अंकित बेस के चाचा की रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाइन देवास में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 366/2022 धारा 302 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपी द्वारा किए गए इस जघन्य एवं सनसनीखेज अंधेकत से क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित होकर सनसनी फैल गई। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा थाना सिविल लाइन देवास के नेतृत्व विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को देखा गया। तकनीकी एवं सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज के आधार पर चंद घंटों में आरोपी की पहचान की जा सकी। जब्त सामग्री घटना में प्रयुक्त 3 धारदार हथियार चाकू एवं एक मोटरसाइकिल काले रंग की हीरो होंडा पैशन क्रमांक MP41MS0242 खून लगे कपड़े। गिरफ्तार आरोपी के नाम मनीष कारपेंटर पिता शैलेंद्र कारपेंटर उम्र 25 निवासी मकान नंबर 20 गौरव नगर विजयनगर देवास। मुकुल भाटी पिता प्रकाश भाटी उम्र 24 निवासी 1/10 बीमा अस्पताल परिसर देवास नाबालिग अपचारी बालक। बता दें कि मुख्य आरोपी मनीष पर थाना सिविल लाइन पर कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है। मनीष और अंकित दोनों दोस्त भी रह चुके थे। विवाद हुआ और इस दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस रंजिश के चलते मनीष ने इस घटना को अंजाम दिया। उपरोक्त केस को सुलझने में थाना प्रभारी सिविल लाइन संजय सिंह और उप निरीक्षक कपिल नरवले उप निरीक्षक यश नाइक उप निरीक्षक सरदार मंडलोई उप निरीक्षक गणेश लाल जाटिया उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह सहायक उप निरीक्षक प्रकाश राजौरिया राकेश बाबू शर्मा प्रधान आरक्षक लेखराज प्रधान आरक्षक रवि पटेल साइबर सेल से प्रकार शिव प्रताप सिंह सचिन सिंह और अरुण चावड़ा और पंकज अजनोदिया आर विनय भदौरिया आरक्षक शुभम कश्यप एवं सहारनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्र नवाचार देवास। थाना क्षेत्र की घटना थी, कब की थी और क्या कुछ जो है आपने खुलासा किया? देखिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हो गई थी। उस घटना में अंकित राजपूत नाम के युवक की उसी के घर में आके किसी ने हत्या कर दी थी। एक सनसनीखेज और ये बहुत ही एक घिनौना क्राइम था। इसको सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है और सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको न्यायालय में पेश किया। क्या वजह थी सर हत्या को अंजाम देने के पीछे? ये सभी लोग दोस्त थे। दोस्तों के बीच में आपस में इन्होंने रंजिश पाल ली थी। 2 साल पहले एक जो इन्होंने आपस में लड़ाई हुई थी उसी की रंजिश को लेकर इसने चाकू मारा और चाकू से उसकी हत्या हो गई। कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आरोपियों तक सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहुंचे हैं जो अन्य किसी के घर में किसी के प्रतिष्ठान में लगा हुआ था। मेरा सभी से आग्रह है कि अपने सभी घरों में सभी प्रतिष्ठानों में आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। उससे न केवल आपकी खुद की सुरक्षा होती है, उससे अन्य आरोपियों को पकड़ने में अन्य क्राइम्स को प्रिवेंट करने में रोकने में सफलता मिलती है। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो और एक बाइक जब्त की गई, क्या है? तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त बाइक जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये लोग आए थे और एक चाकू जो उसमें काम में आया था वो भी बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। एक आरोपी नाबालिग है, इसमें 2 बालिग आरोपी हैं और इस क्राइम को सॉल्व करने में जो हमारी टीम लगी हुई थी थाना प्रभारी सिविल लाइन और उनके सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम उन सभी को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। थैंक यू।